करा द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर अमंग द फ्लोइंग इज, ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपका जो है थर्ड नंबर, अगर देखो थर्ड नंबर आपका इनकरेक्ट है, n बराबर 3, l इक्वल टू 2 और m इक्वल टू -3 बोल रहा है, ये गलत है। और इसका s इक्वल टू -2 -1/2, तो ये जो है ये गलत है। m इक्वल टू -3 नहीं होता, m का वैल्यू हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का माइनस एल से 2 प्लस एल, ठीक है। तो माइनस एल से, तो एल की वैल्यू 2 है, तो -2 हो सकता है या -1 या 0 या 1 या 2 ये हो सकता है, -3 नहीं होगा एल 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 इक्वल टू 2 के लिए। तो थर्ड नंबर जो है आपका जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम्स आर इक्वल देयर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। तो अगर बोला है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम इक्वल है, तो देखो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन क्या होता है, डेल्टा एक्स, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी। और ये कहा जा रहा है कि डेल्टा एक्स जो है डेल्टा पी के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे अनसर्टेनिटी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स डेल्टा पी जो है ग्रेटर देन या इक्वल देन h/4π था, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि डेल्टा एक्स जो है डेल्टा पी के इक्वल है, तो इक्वल है तो हम यहाँ पे डेल्टा पी स्क्वायर लिख सकते हैं, डेल्टा पी एक्स की जगह डेल्टा एक्स की जगह अगर डेल्टा पी लिख दूँ तो डेल्टा पी स्क्वायर इक्वल या ग्रेटर देन h/4π, ठीक। अब यहाँ पे डेल्टा पी स्क्वायर लिख दिया, अब डेल्टा पी को हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट स्क्वायर हटा दिए तो 4π। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताए। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वेलोसिटी। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डेल्टा v ग्रेटर देन या इक्वल टू 4π। तो m की वैल्यू डेल्टा v निकालना है, ये आपको जो है 1/m अंडर रूट h/4π आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करें 4 को जो हम लोग बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/2m इंटू h/5। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये जो है कितना नंबर का आपको दिख रहा है, 1/2m h/4π फर्स्ट नंबर, तो करेक्ट आंसर पहला है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजिशन इज एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू 1×10⁻¹ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल बी मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9×10⁻²⁸ ग्राम, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो इसमें जो है बेसिकली सिंपल है, डेल्टा पी जो है दिया हुआ है 1×10⁻¹, और m इंटू डेल्टा v क्या होगा, m इंटू डेल्टा v को क्या लिख सकते हैं, m इंटू डेल्टा v 10⁻¹ डेल्टा v निकालना है। तो डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा 1×10⁻¹ बाय मास, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है दिया हुआ है, गिवन है 9×10⁻²⁸, ठीक। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 10⁻¹० आ जाएगा, तो आपको जो है लगभग जो है ये आ जाएगा 0.1×10⁻¹. तो लगभग 1×10⁻¹ आंसर आ जाए सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो कितना नंबर पे है ये जो है आपका 1×10⁻¹, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, कंसीडर करो ये चारों क्वांटम नंबर दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सा जो है सेट वो करेक्ट नहीं है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसमें अगर मैं देखूं दूसरा केस, दूसरा नंबर जो है, पहला नंबर कौन सही नहीं है ये पूछा है, कौन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो पहला n की वैल्यू 3 कह रहा है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0, मतलब कि 3s, तो आर एम की वैल्यू 0, तो ये सही हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखो, n बराबर 3 है, n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 2 है, ठीक, एंड n इक्वल टू 2 है, तो क्या हम इसको क्या लिखेंगे, 2p में m की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 to +1, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। थर्ड नंबर देखिए, n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 है, ठीक है, एल की वैल्यू 3 है, एम की वैल्यू कह रहा है -2 है,
माइनस टू है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है आपको, अगला जो ऑप्शन है वो है फोर्थ नंबर, एन की वैल्यू वन कह रहा है, एन की वैल्यू वन, एस की वैल्यू, एल की वैल्यू जीरो, तो क्या हो जाएगी, वन एस, वन एस में एम की वैल्यू माइनस वन कह रहा है, तो ये गलत है, एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल होता है ना, तो प्लस एल, तो एल की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो जीरो होनी चाहिए ना, माइनस वन नहीं होगा, तो जो पॉसिबल जो इसमें क्या नहीं है, फोर्थ नंबर जो है वो पॉसिबल नहीं है, और फोर्थ नंबर पॉसिबल नहीं है, एक मिनट कहीं गलत हो गया, सेकंड नंबर देखूँ, सेकंड नंबर में क्या कर रहा है, n इक्वल टू टू, l इक्वल टू टू, तो n इक्वल टू टू, l इक्वल टू टू, तो n इक्वल टू टू टू, और l की वैल्यू दो बता रहा है, मतलब टू डी, टू डी पॉसिबल नहीं होता है, डी जो है थर्ड और राइट में होता है। ठीक है, तो ये तो दूसरा भी गलत है, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, दूसरा भी गलत है, और ये दूसरा कॉर्नर भी गलत है, और चौथा भी गलत है। पांचवा देखो, पांचवा जो है एन की वैल्यू थ्री बोल रहा है और एल की वैल्यू टू, तो थ्री पी, थ्री पी, और एम की वैल्यू कहा जा रहा है थ्री, एल की वैल्यू टू है, तो एम की वैल्यू थ्री हो सकती है, नहीं हो सकता, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, ये हो सकता है, थ्री नहीं हो सकता, तो इनकरेक्ट कौन क्या क्या हुआ, दो, फोर और फाइव नंबर, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।